अचानक तो दिल्ली पहुंच गया देसी टार्जन और अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं सपाटा यात्रा से पहले गो क्रांति अग्रदूत पूज्य गोपाल मणि जी। राष्ट्र माता गुरु जी आपने तो चिंता होगी कद कर्मू ले गया टार्जन ने माउंट वापस ले आए जी। महाराज जी बीपीआई तो नहीं रहता खड़े अग्रेसिव बड़े थे। ये हमारा तो सूत्र है कि व्यक्ति को अंदर से शांति और बाहर से क्रांति। हाँ क्रांति जैसा हमारा ये पहलवान है तो बाहर से इसके जीवन में क्रांति है लेकिन अंदर से ये गौ माता से जुड़ा हुआ और गौ का मतलब ही शांति है। 20 नवंबर को क्या होगा बिल्कुल बचेगा जो बस से चलते हैं वो बस से आएंगे जो कारों पे चलते हैं वो कार से आएंगे हमारा पहलवान सपाटे लगाता हुआ आएगा। ये जो मुद्दा है ये हिमालय से निकला है इसलिए ये इसको ना कोई उल्टा कर सकता है ना इसको कोई दबा सकता है ये तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और गौ माता राष्ट्र माता इस देश के अंदर होगी। मान लिया जाए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाता है तब क्या होगा संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनका अपमान ही उनकी मृत्यु होती है और गावः प्रतिष्ठा भूतानां गाय प्रतिष्ठित है इसलिए उसको पशु के दायरे में रखना उसका अपमान है। लेकिन आप एक मिनट में जरूर बताओ कि भी क्या क्या लाभ है देसी गाय के चलता फिरता प्रमाण तो अब हमको थकावट आती है तब हम अपने जो मूल गौधाम हमारा चोपड़ धाम है वहाँ जाते हैं और फिर नई ऊर्जा मिल जाती है और नई छलांग हम मारते हैं। ये संजय तो वहीं जा चुका है वहीं से तो इसने छलांगे मारना शुरू किया वहीं पर तो इसने वृक्षों पर चढ़ना शुरू किया। 20 नवंबर को जो मंच होगा उस मंच पर किस किस को आप जो चारों शंकराचार्य एक साथ हमारे इस मंच पर आ रहे हैं इससे बड़े और कौन हो सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि संजय की ओर पूरे विश्व के युवा देखेंगे। अनुपालन व्यक्ति तभी करता है जब सामने प्रयोगात्मक रूप से देखता है तो ये प्रयोग है और लोग इसका अनुसरण करेंगे। चलो इस टाइम आप लाइव हो दिल्ली पंजाबी बाग तय मेरे साथ है देसी टार्जन जो कि अपने गुरु गोपाल मणि महाराज जी के पास पहुंचे हैं सरप्राइज देने। अचानक तो दिल्ली पहुंच गया देसी टार्जन और अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं सपाटा यात्रा से पहले नोंदा देने पहुंचे हुआ सपाटा यात्रा दिल्ली का रामलीला मैदान में जो बहुत बड़ी ओंकार है गो भक्तों की गुरु गोपाल मणि महाराज जी के सानिध्य में वो संपन्न होगी। फिलहाल गो क्रांति अग्रदूत पूज्य गोपाल मणि जी सामने तस्वीर हम आपने देखेंगे ये देसी टार्जन पहुंच गए हैं अपने गुरु जी के पास और ये गुरु जी के आगे नतमस्तक और आशीर्वाद लेते हुए फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो और इनके जो पूज्य गुरु गोपाल मणि महाराज जी हैं उन तक ये पहुंचे हैं। गौ माता राष्ट्र माता राष्ट्र माता राष्ट्र माता तो गुरु जी को सरप्राइज दे दिया अचानक से आकर के। गुरु जी आपने तो चिंता होगी थी कद कर्मू ले गया उठा दिन हम तो वापस ले आए जी। हम तो यही सोच रहे थे जी जी हमारे कर्मों जी जो हैं जहाँ जिस मुद्दे पर लग जाते हैं उसको धरातल से और एकदम व्योम में उठा लेते हैं तो आपका बहुत अभिनंदन है जो आज हमारे अपने संजय को आप यहाँ लाए जी। और ये तो काफी व्यस्त हो गए हैं आप जी। गुरु जी एक तो न्योता देने पहुंचे हैं आप लोगों को सपाटा यात्रा जो रामलीला मैदान में जो बहुत एक बड़ा जन आंदोलन है 20 नवंबर को उसमें हम सपाटे लगाते हुए आएंगे और जैसे 15,000 सपाटे रास्ते में लगाएंगे देसी टार्जन और वो पूरा का पूरा जन सैलाब सीधा रामलीला मैदान में पहुंचेगा आपका आशीर्वाद लेने पहुंचे जी। बहुत अच्छा है क्योंकि जो हवाई जहाज पर उड़ते हैं वो हवाई जहाज पर आएंगे जो बस से चलते हैं वो बस से आएंगे जो कारों पे चलते हैं वो कार से आएंगे हमारा पहलवान सपाटे लगाता हुआ आएगा बहुत अच्छी बात है वैसे ही आएगा। भगवान की जय। चलो मैं दर्शकों ने बता दूं 1857 का जो क्रांति थी मंगल पांडे से शुरुआत हो गई थी बहुत बड़ा आंदोलन बहुत प्राचीन आंदोलन बीच में यू न्यू एल्गोरिथम चला इसका कदे उठ जाए कदे नीचे आ जाए। अब यदि हम बात करा तो गुरु गोपाल मणि महाराज हमारे सामने तस्वीर में कैमरा पे हैं जिन गोपाल मणि महाराज को आपने देखा होगा बड़े ताबड़तोड़ और बड़े अग्रेसिव अंदाज में। महाराज जी बीपीआई तो नहीं रहता खड़े अग्रेसिव बड़े थे बड़े अग्रेसिव रहते हो। हम तो अपनी बात को ठीक से रखते हैं और बीपी अगर ऊपर होगा तो नीचे हो जाता है जी। ऐसा जब आप देते हो ना स्पीच जब आप दहाड़ते हो जी।
तो आपके अंदर से लोगों के अंदर ये बात आती है भी गुरु जी को गुस्सा है क्या किसी बात पे? नहीं नहीं, नहीं हमारा तो सूत्र है कि व्यक्ति को अंदर से शांति और बाहर से क्रांति। हाँ, लेकिन उल्टा हो रखा है। आज व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है और अंदर से वो अशांत होता है और क्रांति दिखती है उसके अंदर। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि बाहर से व्यक्ति क्रांति, जैसा हमारा ये पहलवान है तो बाहर से इसके जीवन में क्रांति है, लेकिन अंदर से ये गौ माता से जुड़ा हुआ है और गौ का मतलब ही शांति है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी जो बजाई वो गाय के पीछे ही बजाई, यानी संपूर्ण विश्व को अगर शांति प्रदान कर सकती है तो केवल गौ माता कर सकती है। गुरु जी एक आशीर्वाद और लेना चाहते हैं हम आपका। जब मैंने इनको नाम देसी टार्जन दिया ना संजय पहलवान जी, तो ये कहने लगे मेरे गुरुजी बुरा मानेंगे, आज आप आशीर्वाद दे दो देसी टार्जन के रूप में भी स्वीकार कर लिया देसी टार्जन। आज आज जो नाम लोग चाह रहे हैं, जो नाम सुनना चाह रहे हैं, तो बुद्धिमता यही है कि लोगों के, क्योंकि व्यवहार सम्मत यही बातें हैं, तो ठीक है, अच्छा है, अब तो नहीं कोई दिक्कत है। अच्छा गुरु जी 1966 का वाक्य याद है, बहुत बड़ा एक आंदोलन देखने में आता, जब गो भक्तों का बहुत बड़ा आंदोलन 1966 में आया था। आपने पुस्तकें भी लिखी, आपने बड़े बड़े आंदोलन में भाग भी लिया है, आप मतलब आपकी गिरफ्तारी तक हुई है, तो इतने बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, क्या अब लगता है कि भी वो मुद्दा पड़ जाएगा, मुद्दे की हत्या हो जाएगी, या 20 नवम्बर को क्या होगा, बिल्कुल बचेगा? देखिए मुद्दा हिमालय से निकला है और हिमालय की एक खूबी है, क्योंकि आप देखते हैं पूरे देश के अंदर वर्षा ऋतु में जहां तहां नदियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन 2 महीने बाद वो नदियां सब शांत हो जाती हैं, लेकिन हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो कभी शांत नहीं होती है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि बारिश सुखाई। जो नदियां, जो छोटे छोटे नाले वर्षा ऋतु में उफनते हुए दिखाई देते हैं, 2-3 महीने के बाद वो कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन गंगा जी हिमालय से निकलती है और वो कभी बंद नहीं होती है और निरंतर चलती रहती है। तो अब की बार गौ माता, राष्ट्र माता, ये जो मुद्दा है ये हिमालय से निकला है, इसलिए ये इसको न कोई उल्टा कर सकता है, न इसको कोई दबा सकता है, ये तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और गौ माता, राष्ट्र माता इस देश के अंदर होगी। जैसे कहते ना भाई, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो एक साथ नहीं होने चाहिए। हाँ। मतलब अपने रूल में लिखा है भाई एक साथ हो जाए तो कभी वो डिक्टेटरशिप ना आ जाए। हाँ। या फिर तख्ता पलट ना हो जाए। तो 1966 में हुआ जब तीन जो शंकराचार्य इकट्ठे हुए, अब आप जुगत में लगे, चार शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य को एकत्रित कर रहे हो, आपको नहीं लगता भी मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? चार की तो चौकस माने जाते हैं हमारे यहाँ, तीन को तो वैसे भी हमारे भी तो बन जाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में, न गच्छेत ब्राह्मणत्रयम्, मतलब तीन ब्राह्मण एक साथ नहीं जाने चाहिए, अगर आप तीन की बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं, और चार तो हमेशा चौकस देते हैं, वो तो सफलता का प्रतीक है। और बहुत बड़ी बात है कि इस समय हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य उपस्थित हो रहे हैं और ये पहले प्रसाद चिन्हाने पूरा फलाने, ये अच्छे प्रसाद का फल दिख रहा है। अच्छा गुरु जी देखो बहुत बड़ी बात है, यदि हो जाए, देखो कहते हैं ना अपने किताबों में पढ़ते थे, माना मूलधन 100 रुपए, मान लिया जाए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाता है तब क्या होगा, और यदि दर्जा नहीं दिया जाता है, हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये मुद्दा, केवल अपने भारत का नहीं, दिल्ली का नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इंटरनेशनल मुद्दे पे उतनी बड़ी चुनौती भी होती है, तो लगता है आप लोग कामयाब, और इस क्या उम्मीद लग रही है आपको 20 तारीख को? देखो करुण भाई ऐसा है कि हमारे वेद पुराण धर्म शास्त्र रामायण उपनिषद ये सब गाय को माता का सम्मान देते हैं। हमारे वेदों को आप उठा करके देखो। हाँ। जो वास्तव में गायत्री हो तो गाय है जी। अगर आप महाभारत से पूछेंगे तो महाभारत कहता है कि गवाम मध्ये वशाम में, हम मैं गायों के बीच में रहता हूँ। अगर आप श्रीमद् भागवत से पूछोगे, पुराण तिलकम है श्रीमद् भागवत, उस पुराण तिलकम में, उस श्रेष्ठ पुराण में स्वयं श्री कृष्ण नंगे पांव गायों के पीछे खड़े हैं। अगर आप उपनिषदों से पूछेंगे तो गावो उपनिषदो सर्व, जो गाय है वो उपनिषद है, जो उपनिषद है वो गाय है। अगर आप रामचरितमानस से पूछोगे तो राम कथा कली कामत गाय। तो कुल मिलाकर के हमारे वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ गाय को माता के रूप में पूजते हैं, और भारत का जो कानून है, भारत का जो कानून है वो गाय को पशु के रूप में देखता है। तो हमारा ये मानना है, और ये व्यावहारिक बातें भी हैं, कि अगर
पशु है तो पशु को तो काटा जा सकता है क्योंकि पशु का काटने का कानून है देश के अंदर, लेकिन अगर माता है तो माता को कैसे काटा जा सकता है। इसलिए मूल को समझने की बात है, मूल में भूल नहीं होनी चाहिए। हाँ, मूल में भूल नहीं होनी चाहिए। एकदम आप तो बहुत अच्छे जो शब्द रखते हैं बहुत सुंदर है। मूल में भूल हो गई इसीलिए इतनी बड़ी भूल हो गई। अच्छा गुरु जी, राष्ट्र माता का दर्जा मिलते ही देश के लिए पूरी दुनिया के लिए क्या क्या लाभ होंगे, एक मिनट में बताएंगे थोड़ा। हाँ, सबसे पहले तो संपूर्ण विश्व को गौ माता अपने वैभव से, अपनी जो शक्ति है, अपना जो सामर्थ्य है वो प्रकट करेगी और संपूर्ण विश्व में शांति आ जाएगी निश्चित रूप से। जिसके लिए संपूर्ण विश्व में सब लोग जो है सम्मेलन कर रहे हैं, गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं, शांति आएगी पूर्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है वो वृंदावन में गायों के पीछे ही बजी है। संपूर्ण विश्व में शांति का एकमात्र रास्ता गौ माता को सम्मान देना है, क्योंकि गाय का अपमान ही उसकी हत्या है। संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनका अपमान ही उनकी मृत्यु होती है। और गावः प्रतिष्ठा भूतानां, गाय प्रतिष्ठित है इसलिए उसको पशु के दायरे में रखना उसका अपमान है, और उसका अपमान के कारण ही सारे संसार में जो उपद्रव है और जो अशांति है उसका मूल कारण यही है। जो भूकंप हो रहा है इसका मूल कारण गौ माता का जो त्रास है, दुख है, पीड़ा है, वही भूकंप का कारण बन रहा है। गुरु जी, आपसे ज्यादा रिसर्च मेरे ख्याल से किसी ने की नहीं, क्योंकि आपने धेनुमानस एक पुस्तिका भी ग्रंथ भी लिखा है जी। और मैं ये आपके माध्यम से, जो दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है जी। तो आप एक मिनट में जो अपनी गौ माता के लाभ है, मुख्य लाभ जी, एक बार आप दर्शकों का ज्ञानवर्धन करो, बताओ इस देसी गाय के, हालांकि उदाहरण के रूप में हम देसी टार्जन को बता भी चुके हैं जी, लेकिन आप एक मिनट में जरूर बताओ कि भी क्या क्या लाभ है देसी गाय के। प्रैक्टिकल तो हमारा ये देसी पहलवान है यहाँ पर जो बैठा है, प्रायोगिक रूप में आप इसको देख सकते हैं। सैद्धांतिक रूप में सकल सिद्धि एकों के साधे, गाय वचन मन गौ आराधे, संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली गौ माता है। जिस दिन गौ को प्रतिष्ठा मिल गई संपूर्ण अष्ट सिद्धि और नवनिधि पूरे विश्व में खेलने लग जाएंगी। इससे बड़ी सेवा और कोई दूसरी सेवा है ही नहीं। गावो विश्वस्य मातरा, विश्वस्य का मात्रा, मात्रा का अर्थ यह नहीं कि विश्व की माता है, सबकी माता है, सब को इसको समझना पड़ेगा। हाँ, और हमारे वेदों ने सेवा की तो कहीं बात करी नहीं है, हमारे वेदों ने गाय के बारे में जानने के लिए कहा है। तो आज देश सेवा के बारे में तो बोल रहा है कि भाई गौ की सेवा होनी चाहिए, लेकिन गाय को जानना प्रमुख है। देविम वाचम अजनयंत देवः ताम विश्वरूपः पशवो वदन्ति, वो जो ब्रह्मांड स्वरूपिणी है उसको लोगों ने पशु समझ लिया और पशु उन्होंने समझ लिया जो स्वयं पशु है। इसलिए पशुता से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा जिस दिन गौ माता की दिव्यता को जान जाएगा। गुरु जी, मैंने इतना तो सुना था गाय के दूध में, मूत्र में, उसके ऊपर हाथ फेरने में, गोबर में, जो एक ताकत है हर चीज में जी। लेकिन अभी मैंने यहाँ आने के बाद कुछ लोगों से पता चला था कि भी गाय अपने सिर के ऊपर जीभ से उसको लगाती रहे ना जीव जी। तो माइग्रेन जैसी कई समस्याएं हैं, मेजर डिजीज है जो। तो ये भी इसको कितना वैज्ञानिक आधार पे, हम मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति खड़ा उठा, उसने पहले का सिर दिखाया, एक बाल नहीं था जी। और उसके बाद उसने दिखाया कि गुरुदेव देखो मेरे सारे सिर पर बाल आ गए। हमने कहा कैसे हुआ, उसने कहा मैंने 15 दिन अपने सिर पर, गंजे सिर पर गाय का गुड़ लगा करके गाय की जीभ से चटवाया और नए बाल आ गए। सारी बीमारियां दूर होती हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गौ माता के आश्रय से, और बाकी चलता फिरता प्रमाण तो जी। अच्छा गुरु जी, देखो गाय को एक तो होता पालना, एक संभालना, एक मानना, कहते ठीक ठीक जानना, ठीक ठीक मानना, ठीक ठीक उसकी उपासना करना जी। आप लगभग 365 गौशालाएं चला रहे हैं इस टाइम जी। तो कभी कभी ऐसा भी आता मन में भाई बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया, थकावट है दिमाग में, मतलब कभी इस तरह की आता है विचार कि बहुत बड़े पंगे के हाथ लगा लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आता, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं करेंगे। हम तो बहुत कभी कभी अकेले में नृत्य करने लग जाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमको लगता है कि इतना बड़ा काम जिसके लिए स्वयं भगवान धरती पर आते हैं और इतना बड़ा काम हमारे गौ भक्तों को दे दिया, इसका मतलब है कितना भरोसा भगवान हम पर करता है, इसलिए हम अकेले में नृत्य करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब हमको थकावट आती है तब हम अपने जो मूल गौधाम हमारा चोपड़ धाम है वहां जाते हैं और फिर नई ऊर्जा मिल जाती है और नई छलांग हम मारते हैं। ये संजय तो वहीं जा चुका है, वहीं से तो इसने छलांगे मारना शुरू किया, वहीं पर तो इसने वृक्षों पर चढ़ना शुरू किया।
जी गुरु जी, एक चीज आखिरी सवाल है, 20 नवंबर को जो मंच होगा, हाँ। उस मंच पर किस किस को आप बुला रहे हैं मुख्य रूप से, जिसका प्रभाव लोगों पर पड़े और एक मिलकर के एक संकल्प लिया? सनातन धर्म की जो धर्म गुरुओं में सबसे ऊपर की हमारी गद्दी है, वो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, और भगवत कृपा से कलयुग में भी सतयुग आ गया है, जो चारों शंकराचार्य एक साथ हमारे इस मंच पर आ रहे हैं, इससे बड़े और कौन हो सकते। तो इसमें स्वामी रामदेव या फिर जिस तरह बागेश्वर धाम के जो सब आ रहे हैं, बिल्कुल सबको निमंत्रण दिया है हमने, सबको निमंत्रण दिया है। तो देसी टार्जन को आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहोगे गुरु जी? देसी टार्जन को यही, यद्यपि मुझे टार्जन शब्द का भी अर्थ नहीं आता, पर जब तुम कह रहे हो तो बोल रहा हूँ। टार्जन मतलब गो भक्त, संघर्ष वाला, सत्य पे चलने वाला, ये टार्जन का मतलब। तो हमने इस सूत्र का प्रयोग किया, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, भाई जो शुद्ध है लोक विरुद्ध भी हो तो भी बोल लो, व्यावहारिक बातें ये कहती हैं। तो हम इस देसी टार्जन को यही कहते हैं कि ये अपनी भक्ति गौ के प्रति बढ़ाए, और एक दिन ऐसा आएगा कि संजय की ओर पूरे विश्व के युवा देखेंगे और समझेंगे, और अनुपालन व्यक्ति तभी करता है जब सामने प्रयोगात्मक रूप से देखता है। तो ये योग है और लोग इसका अनुसरण करेंगे। 2-11 विश्व रिकॉर्ड तो आपके पास बनाए इन्होंने, 2 विश्व रिकॉर्ड हमारे सामने बना दिए। अच्छा। एक तो 8101 सपाटे लगातार लगाए पूरे कंप्लीट, क्योंकि सपाटे भी सपाटे, एक सप्ती सपिट्टी सप्टे, ये अनुशासित नहीं है, तो सपाटा अनुशासित, वो इन्होंने लगातार वही लगाए हैं, हमने ये कहा भी लगातार ऐसे लगाओ। दूसरा बनाया विश्व रिकॉर्ड एक और भी, 25 दिन के अंदर 3,49,000 वीडियो देसी टार्जन के नाम से आई है अभी सोशल मीडिया पे, और आशीर्वाद चाहिए और हमें और चाहिए थोड़ी, पूरा पूरा सारे रिकॉर्ड, सारे विश्व के जितने रिकॉर्ड बने हुए हैं वो सब टूटेंगे और नए कीर्तिमान स्थापित होंगे जी। तो गुरु गोपाल मणि महाराज, हाँ जी हाँ जी, ये धेनु मानस ग्रंथ है गुरु जी का, और जी जी प्रतिदिन पढ़ता हूँ, ये एक मुझे भी चाहिए जी, आपको दे, और ये एक ऐसी चीज है भाई, देखो गाय के बारे में ठीक ठीक जानना, समझना, मानना, उस क्योंकि मनुष्य हो गया स्वार्थी लालची, तो भाई कम तुम लालच में इस देसी गाय को समझ लो उसको, क्योंकि स्वार्थ भी कई तरह का होने, स्वार्थ होता है परमार्थ होता है, स्वार्थ भी मतलब ऐसा जिससे देश का भला हो जाए, ऐसा स्वार्थ होना चाहिए इंसान में। तो ये धेनु मानस गुरु जी का अनमोल ग्रंथ है, और ये गुरु जी की तरफ से देसी टार्जन को भेंट है। चलो बहुत अच्छा लगा जी हमें, हम भी 3 दिन की जो यात्रा करते हुए सीधे रामलीला मैदान में ही पहुंचेंगे, और आप लोगों का आशीर्वाद लेने हम पहुंचे थे। तो फिलहाल इस पूरी दुनिया को दिखा दो देसी गाय का दूध और मूत्र और उसके महिमा, उसकी ताकत क्या है, और उसकी यदि PhD होल्डर में कहूंगा तो गुरु गोपाल मणि महाराज जी, इनसे ऊपर कोई नहीं जानता गाय के बारे में, गाय का महिमा। और ये मैं एक बात कह सकूं, जिस तरह गाय विलुप्त होती प्रजाति बना दी, क्योंकि देसी गाय की नस्ल भी तो खराब की गई है, जैसे वो विलुप्त होती प्रजाति होगी, वैसे ही गुरु जी भी विलुप्त होती प्रजाति है, ये भी नहीं रहोगे तो फिर गाय भी नहीं बचेगी, सच्चाई बताऊं मैं। हालांकि ये इसलिए कहनी पड़ी मैंने, क्योंकि यदि वो तो बेजुबान है बेचारी, उसकी तो चुप्पी बहुत कुछ कह रही है गाय मां की तो, लेकिन यदि बोलने वाले बोल रहे हैं और आपके समझ में आएगी तो आपका भी सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारा देसी पत्रकार करमू, जय हिंद जय हरियाणा जय जवान जय किसान। अपने जो संजय जी हैं उनको तो प्रसाद मिला ही है, अब भेंट हम आपको करेंगे। जी जी जी। हाँ जी, धन्यवाद। राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, माता को राष्ट्र माता घोषित करो, घोषित करो, मां।